मृण्मय कहीं गई है और अब किसी का इंतजार कर रही है, पर किसका? हाँ हाँ मृणु, मैं हूँ ना, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ तुमको इंटरव्यू दिलाने। मैं यहाँ आ भी गई, मैंने इंटरव्यू दे भी लिया, लेकिन तुम्हारी तो कोई खबर ही नहीं है, पता ही नहीं कहाँ हो तुम। और अब सामने देखती है अमन को गाड़ी में, जो फाइनली आ ही गया। और अब उसे मनाना है मृण्मय को, क्योंकि उसे देर जो हो गई है पहुंचने में। नहीं नहीं, मतलब एक्चुअली मेरा वो बॉस कम दोस्त कम भाई ना ऑफिस में था, उसने बोला कि मीटिंग है, नो छुट्टी। मैंने ट्राई किया। तुम एक काम क्यों नहीं करते, अपने बॉस कम दोस्त कम भाई के साथ शादी क्यों नहीं कर लेते? हा? क्योंकि मैं तो पागल हूँ जो पुणे से मुंबई तुम्हारे लिए आई, एक ऐसे लड़के के लिए जिसके पास संडे के दिन भी टाइम नहीं रहता। गुस्सा हो? हो गुस्सा हो। अच्छा सॉरी, कान पकड़ के सॉरी, उठक बैठक करूं? आइसक्रीम खाओगी? यार अमन कम ऑन यार, ये कोई क्वेश्चन हुआ? आइसक्रीम तो मृणु की फेवरेट है, नहीं? और ये सुनकर तो अब एक बार फिर खिल उठती है मृणु, पर उसे बोलती है कि वो अब भी गुस्सा है उस पर जाता है अमन उसका फेवरेट आइसक्रीम ब्लैक करंट लाने। वहीं इंतजार करती है मृणु, और अब अमन और मृणु एंजॉय करते हैं आइसक्रीम, हर झगड़े का हल। और अमन अब प्यार से मृणु को बोलता है, तुम ना ऐसे ही स्माइल करती रहा करो, बहुत क्यूट लगती हो, लेकिन जब तुम गुस्सा होती हो ना तो एकदम शेर नहीं रखती। आइसक्रीम खाओ। और इस तरह दोनों खूब मस्ती भी करते हैं। और अब शांतनु भी ईशा को लेकर आया है आइसक्रीम खाने, और बोलता है, आइसक्रीम लाओ, ईशा को मनाओ। बस अब मुझे वापस याद मत दिलाओ, आइसक्रीम दी है ना, एंजॉय करने दो। पर अब जैसे ही ईशा आइसक्रीम खाने वाली है, वो देखती है मृण्मय को किसी लड़के के हाथ से आइसक्रीम खाते हुए, और उसे भी वो खिला रही है। और बस आइसक्रीम तो भूल जाती है ईशा, इस तरह मृणु को देख कि ये क्या कर रही है वो खुले आम। और शांतनु भी चौंकता है, पर ईशा को कौन रोके। और जहां अमन भी घबरा जाता है कि ये कौन आ गई दोनों के बीच, मृणु के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक जाती है और कुछ नहीं बोल पाती ईशा काकू को वहां देख, और उसकी आइसक्रीम की ठंडक वहीं निकल जाती है। पर सई अब सभी के साथ बैठी है गार्डन में और उसे सवाल करती है, दादी ये कौन किसे कहती है? मेरी मम्मा बेशरम है, इसीलिए पापा की शादी टूट गई। बेशरम वर्ड बुरा होता है क्या? मेरी मम्मा बुरी थी? नहीं बेटा, मम्मा कभी बुरी नहीं होती, मेरी मम्मा भी बहुत अच्छी है और आपकी मम्मा भी बहुत अच्छी। मैं भी चॉकलेट की मम्मा हूँ, मैं भी अच्छी हूँ। और सभी सोच में पड़ जाती है सई की बातें सुनकर, पर तभी देखती है कि आई बाबा की गाड़ी आई है और मृणु को देखती है निकलते हुए रोते हुए गाड़ी से। और अब सभी से रहा नहीं जाता और सई को बैठा कर जाती है अपने आई बाबा के पास, पर ईशा सभी को अब घर चलने बोलती है। और घर पर, सभी तुझे सब पता था और तूने मुझे बताया नहीं पड़ा? आई वो मुझे भी कल ही पता चला था कि मृणु किसी को डेट कर रही है। मैंने सोचा कि पहले मैं उससे मिल लूँ, जान लूँ, देख लूँ, उसके बाद आपको कुछ बताऊँ। इसमें समझना समझाना क्या है सभी? तू जानती है लता ने इसे मेरे भरोसे यहाँ भेजा है और कहा भी है कि अगर ये कुछ उल्टा सीधा करे तो एक खाना खाली बाजू मांगू। और अब ईशा फरमान जारी करती है कि अब ये सब बंद। पर अब रोते हुए मृणु बोलती है, बंद मतलब क्या? कोई गाड़ी का इंजन थोड़ी ना है काकू, जो एक बार घुमाया और बंद 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 हो गया। मैं प्यार करती हूँ उसे, आई रियली लव हिम। एक दिन और बीच में पहुंच जाता है शांतनु ईशा के हाथों मृणु को थप्पड़ पड़ने से पहले। क्या कर रही हो, बच्ची पे हाथ उठाओगी? बच्ची है ये, इंटरव्यू देने गई थी या ये सब करने गई थी? इंटरव्यू देने के बाद गई थी। तो इंटरव्यू दिया इसलिए अब ये सब करेगी? प्यार करती है उससे, प्यार का मतलब ये समझ में आता है तुझे? पता है, इसीलिए अमन से शादी करना चाहती हूँ, अमन से बहुत प्यार करती हूँ।
अब प्लीज नहीं बने उसको मिलके तो देखो। Are you out of your mind? ये प्यार नहीं infatuation है। शादी करने चलिए इस उम्र में। क्यों? सविताई ने किस उम्र में प्यार किया? बकवास बंद कर मृण्मयी। और अब तो ईशा का गुस्सा परम सीमा पर है। सवी का जो नाम ले ली मृणु ने। मेरे बेटे ईशु के साथ मेरे ईशु जैसा कोई हो नहीं सकता। अगर यहाँ रहना है ना मेरे घर में तो ये सब नहीं चलेगा। चुपचाप अपने करियर पे फोकस कर। पर मैं उसे नहीं भूल सकती। और मीनू से ये बात सुनकर अब ईशा अपना आपा खो बैठती है कि ये क्या बोले जा रही है वो। और अब अपना डिसीजन भी सुनाती है। तो तू यहाँ नहीं रह सकती, तू पुणे वापस चली जाएगी। गो पैक योर बैग्स। आई क्या कर रहे हो आप? ये मीनू को यहाँ से जाने के लिए कैसे कह सकते हो? ईशा क्या बेवकूफी की बातें कर रही हो तुम? इसकी बेवकूफी रोकने के लिए अगर मैं बेवकूफी बन जाना तो भी ठीक है। लता ताई ने इसे मेरे भरोसे यहाँ भेजा है। क्या बोलेंगी वो? मृणमयी को मुंबई भेजा ईशा ताई के घर पे, लेकिन ईशा ताई के घर पर रहकर तो इसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। मैं ये इल्जाम अपने पर नहीं लूंगी, ये नहीं होगा यहाँ पर। तू प्लीज अंदर जा, तेरी काकू शांत हो जाएगी फिर बात करेंगे, ठीक है? नहीं काका, अगर ईशा काकू ने कह दिया कि यहाँ से जाना है तो फिर तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं अपना सामान ले लेती हूँ। अरे और अब मीनू जाती है रोते हुए अपने रूम में सामान पैक करने, पर वो अमन को नहीं छोड़ने वाली। और जहां सवी भी रोकने की कोशिश करती है वहीं अब ईशा भी अपना सिर को पकड़ती है, पर मीनू अपना सारा सामान सूटकेस में डाल रही होती है। मैं काकू से गुस्सा नहीं होता, बल्कि मैं तो कभी उनसे गुस्सा हो ही नहीं सकती। मैं तो उनकी एहसान मंद, मुझे तो बस इस बात का बुरा लग रहा है कि उन्हें मेरी वजह से तकलीफ हुई। मदर ही जाके डिसाइड करूंगी कि क्या करूं। और अब सभी सोचती है कि अब इस चीज को वो कैसे रोके गलत होने से, पर चौंका देती है मीनू को हेल्प करते हुए पैकिंग करने में उसकी, और बोलती है कि वो ठीक ही सोची होगी वहां से जाने का। पर अमन से शादी करने के लिए तुझे तेरी आई की और ईशा काकू की रजामंदी तो चाहिए होगी, राइट? और तेरे केस में घर से भागना इज नॉट द सॉल्यूशन। आई जो मन में वो साफ साफ बोलो ना। आपकी ये गोल गोल बातें मेरी समझ में नहीं आती, मेरी पल्ले ही नहीं पड़ रही है। इधर आ मेरे। देख अगर तू वाकई अमन से बहुत प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है ना, आई फील तुझे यही रुकना चाहिए। आई को साबित कर कि अमन तेरे लिए एकदम परफेक्ट लगता है। उन्हें मना कि अमन इतना परफेक्ट लड़का है कि वो तेरी शादी के लिए हाँ कर दे। लड़ अपने प्यार के लिए, भाग जाएगी ना कोई भी तेरे प्यार की इज्जत नहीं करेगा। तो बाहर मेरा एग्जाम्पल दे रही थी ना कि मैंने भी जल्दी ही शादी कर ली, तो अपने एग्जाम्पल से तुझे बता। और मीनू अपनी ताई को देखते ही रह जाती है जब सभी अब ईशान का फोटो उठाकर लाती है और सच्चे प्यार की बात बताती है मीनू को। मीनू हमें भी ना अपने प्यार के लिए बहुत लड़ना पड़ा। इनफैक्ट दुनिया से लड़ने के साथ साथ हमें एक दूसरे से भी लड़ना पड़ा। मीनू प्यार ऐसा ही होता है, तो जब होता है तो बहुत मुश्किल से होता है, और जब हो जाए तो उसके लिए भी लड़ना पड़ता है, कभी खुद से तो कभी दुनिया से। इसलिए पीठ दिखाकर भागने, लड़ अपने प्यार के। वाह, लगता है आपने बहुत शिद्दत वाला प्यार किया था ताई। अभी इतनी बड़ी बात आपने इतनी आसानी से कह दी, थैंक यू सो मच ताई। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं यहीं रहूंगी।